नमस्कार, मैं जंतर मंतर से गोपाल कृष्ण बोल रहा हूँ। आज 13 फरवरी 2024 359 डेज है हमारा आंदोलन का, जो हमारा सारे मांगे हमने यहाँ बोर्ड लगा कर रखा है, आप देख लीजिए। देखिए, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से जंतर मंतर पे आज भी आंदोलन लगाया गया है। हमारा जो मुख्य मांग जो है ये आप देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी बनाई जाए, जिनका चयन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों करे और उसके संदर्भ की शर्तें हमारी मांगी हो तथा वो 3 मास में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे, यही हमारा मांग है। आपको जंतर मंतर का नज़ारा हम दिखा रहा हूँ। आज किसान आंदोलन की वजह से जो जंतर मंतर पर आज 144 लागू किया है, फोर्स सेल लग रहा है और यहाँ पर आने वाला सारे रास्ता बंद कर चुका है, जो कि सांगतिक धरना लगाने का परमिशन हमको दिया है, हम सांगतिक धरना लगाया गया है। आज हमारा भी जो लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, जो कि 144 है, तो 144 लागू करने के बाद 2 आदमी से ज़्यादा किसी को जो रहने नहीं देता है, लेकिन हमारा जो सांगतिक धरना के कारण हम लोग आज भी हमारा स्टेज तैयार किया है, आप देख लीजिए। सर विजय सर, गुड मॉर्निंग। सर अपना जो अपना देश में जो पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ है, जंतर मंतर का आंदोलन 1 साल से वो देख रहा है, तो उनके लिए आज का कोई संदेश आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अभी जो है अस्थायी तौर पर ये धरना जो है अभी लाल किले चले जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे प्रशासन के लोग आए उन्होंने हमसे सहयोग मांगा, सर आप भी सहयोग कीजिए। तो हमने कहा ठीक है सर, हम आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही अनुशासन वाले हैं। तो अनिश्चित काल के लिए धरना जो है अभी जंतर मंतर पर नहीं रहेगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा हम आपको बता देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। ये 359 डेज, यही है आज का संदेश। और हमारा जो 20 तारीख 1 साल होने वाला है जो हमारा आंदोलन की, और एक बड़ी रैली हम आयोजन करेंगे, उसका बाकी सारे विवरण हमारा कोर कमेटी का मीटिंग के बाद सभी को हम पहुंचा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। विजय सर बोलिए। सर सर राम राम। पूर्व सैनिकों, मैं एक थोड़ा सूचना देना चाहता हूं। देखिए, किसान आंदोलन की वजह से जंतर मंतर को पूर्णतया बंद किया गया है, हमने आज धरना लगा दिया। उन्होंने बोला साहब आप 1 घंटा बैठिए और चले जाइए, क्योंकि हम 8 बजे से यहाँ आए हुए हैं। तो अब जो है हम जो है प्रस्थान करेंगे अपना लाल किले की तरफ, क्योंकि हमें भी प्रशासन का सहयोग करना है, वे भी अपने ही भाई हैं, तो हम अपने भाइयों का सहयोग करते हुए अब धरने को लाल किले शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसे ही अगली सूचना हमारे पास आएगी हम यहाँ फिर दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर।